दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम विलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, RO का प्रवेश पत्र कल RO भर्ती 2023 की 11 फरवरी को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होंगे। समीक्षा अधिकारी का 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 कुल 411 पदों के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी प्रत्येक पद पर 2600 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, ग्रेटर नोएडा समेत 40 जिलों में कराई जाएगी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, रेलवे में तकनीशियन के 9,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार भारतीय रेल में रिक्त पड़े 9,000 तकनीशियन के पदों को भरने जा रही है। देश भर से अभ्यर्थी फरवरी में रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन करेगी। RRB ने खाली पड़े तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को सूचना जारी कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकॉम जैसे कई ट्रेड में लगभग 9,000 तकनीशियन के पद रिक्त हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अंकुशा 90% से ज़्यादा अंक बोर्ड जाएगी कापी। दोस्तों प्रावधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक संस्थानों के आंतरिक मूल्यांकन पर अंकुश लगा दिया है। बोर्ड ने प्रदेश की राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक के निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी संस्थान आंतरिक मूल्यांकन के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएगा। यदि कोई संस्थान किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन में 90% या उससे अधिक अंक देता है तो उस संस्थान को उस छात्र की मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका भी बोर्ड को भेजनी होगी। जरूरी दस्तावेज संलग्न बोर्ड करके भेजे जाएंगे। बोर्ड सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने वर्तमान में जारी विषम सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के सत्र के अंक, गेम्स, अनुशासन को अंकों की सूची मांगी है, जिसमें बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी छात्र छात्राओं को 90% से अधिक शैक्षणिक अंक दिए जाते हैं तो ऐसे छात्रों की मासिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतियां एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की छाया प्रत शैक्षणिक अंक के साथ संलग्न कर परिषद कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं 14 मार्च से, तीनों वर्ष मिलाकर 40,000 से अधिक छात्र होंगे शामिल। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 की मुख्य परीक्षा का बिगुल बजा दिया है। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक ने BA, BSc, BCom के प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षाएँ 14 मार्च से 17 मई तक होंगी। मात्र 5 माह की पढ़ाई, करीब 1 माह के शीतकालीन अवकाश सहित अनेक त्यौहार पड़े हैं। अवकाश के कारण भी बंद रहा। परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में होगा। BA प्रथम वर्ष की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी। BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा भी 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को खत्म होगी। BSc प्रथम वर्ष परिवार एवं समुदाय विज्ञान विभाग की परीक्षा 20 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगी। BCom प्रथम वर्ष की परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलावा BA तृतीय वर्ष की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी। BSc तृतीय वर्ष की परीक्षा 14 मार्च से 17 मई तक और BSc तृतीय वर्ष परिवार एवं समुदाय विज्ञान की परीक्षा 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगी। BCom तृतीय वर्ष की परीक्षा 14 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी। BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा 14 मार्च से 2 मई तक होगी। BSc द्वितीय वर्ष की परीक्षा 14 मार्च से 2 मई तक। BCom द्वितीय वर्ष की परीक्षा 15 मार्च से 3 अप्रैल तक। BSc द्वितीय वर्ष की परीक्षा एवं समुदाय विज्ञान विभाग की परीक्षा 15 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक होगी। मध्य अक्टूबर तक ईवीएम में स्नातक के प्रवेश चले थे। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया के बीच में ही ईवीएम में कक्षाएँ शुरू हो गई थी, पर देरी से प्रवेश पत्र पाने वाले काफ़ी छात्र पिछड़ गए थे। अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, इन 3 माह में कई दिन अवकाश की भेंट चढ़ गए। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अब मात्र 2 महीने का समय बचा है। छात्रों का कहना है कि स्नातक के काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए यह समय भी काफ़ी कम है। प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से नहीं भर पाई
थी सीटें। मुख्य परीक्षा में स्नातक तीनों वर्ष मिलाकर करीब 40,000 छात्र शामिल होंगे। इसमें सबसे अधिक प्रथम वर्ष के छात्र होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़े संघटक कॉलेजों में 18,000 सीटें हैं। हालांकि इस वर्ष प्रवेश में देरी की वजह से मात्र 15,000 सीटों पर ही प्रवेश हो पाया। ऐसे में इस वर्ष प्रवेश पत्र लेने वाले छात्रों की संख्या कम रहेगी। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति। दोस्तों, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी। 40 परीक्षार्थियों पर 2 कक्ष निरीक्षक और 41 से 60 परीक्षार्थियों तक 3 कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस बाबत बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर 50% कक्ष निरीक्षक बाहरी रखे जाएंगे। जिस दिन विषय की परीक्षा हो उस पाली में संबंधित विषय अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक एवं अवमोचन के रूप में न लगाई है। साथ ही कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए अध्यापकों का पूर्ण विवरण परीक्षा केंद्र में सुरक्षित रखा जाए। सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार कक्ष निरीक्षकों का परिचय पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल की परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पहले जिला विद्यालय निरीक्षक डाउनलोड करेंगे और उसमें कक्ष निरीक्षकों को आवंटित परीक्षा केंद्र का विवरण अंकित कर संबंधित कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद ही परिचय पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, एक कमरे में 60 परीक्षार्थी तो नहीं होंगे 3 निरीक्षक। दोस्तों, यूपी बोर्ड ने सचिव जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षा के लिए दिए निर्देश। आनाकानी व अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, पीसीएस आवेदन से कई अभ्यर्थी वंचित, तिथि बढ़ाने की मांग। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ओवरलोड हैंग हो जाने पर सम्मिलित राज प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे अभ्यर्थी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इसके लिए आयोग को ईमेल किया है। पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया 8 से 9 महीने में पूरा करने के लिए आयोग ने इस बार 1 जनवरी को विज्ञापन जारी किया था। रिक्त 220 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी तक लिए गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि हर वर्ष अमूमन पीसीएस भर्ती का विज्ञापन मार्च के बाद जारी होता था, लेकिन इस बार पहले जारी कर दिया गया। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई वेबसाइट पर धीमी चल रही थी। ऐसे ही समीक्षा अधिकारी और निजी सचिव के दौरान भी वेबसाइट धीमी थी, तो आयोग उसमें आवेदन की तिथि बढ़ाया था। नियमावली के इंतजार में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 6 माह पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 300 से अधिक पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली तैयार न होने से भर्ती अटकी हुई है। वहीं निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य रिक्त पदों के आंकड़ा जुड़ना भी शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 6 माह से पहले राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना की थी और इसके बाद शासन के माध्यम से यूपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भी भेज दिया था। अधियाचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, लेकिन आयोग के कैलेंडर में राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को शामिल नहीं किया गया। आयोग की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज में स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावरी नियमा शासन की ओर से प्रस्तावित की जानी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर नई रिक्तियों को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व में भेजे गए अधियाचन के अतिरिक्त तकरीबन 300 पदों रिक्त होने की संभावना है। महाविद्यालयों में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती अटकी हुई है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी अभ्यर्थियों के चयन में जोड़े जाएंगे, जबकि पहले केवल इंटरव्यू में अंकों के आधार पर भर्ती होती थी और स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की छटनी के लिए होती थी। दोस्तों, संदिग्ध केंद्रों पर रहेगी खुफिया नज़र। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर LIO के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। गड़बड़ी की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा कराना प्रदेश का ब्रांड हो गया है और इसको बरकरार रखना है। पिछले अनुभव को देखते हुए त्रुटि रहित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडल आयुक्त और अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल व इंटर परीक्षाएं 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। नकल पर अंकुश के लिए जरूरत अनुसार धारा 144 लागू कराने सहित उपाय किए जाएं। सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और प्रशिक्षण समय से हो। एक सुरक्षित कच्छ स्ट्रांग को बनाया जाए, रूम बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुँचने के 3 दिन पहले प्रधानाचार्य कक्ष से अलग एक सुरक्षित कक्ष को
स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। इस पर 24 घंटे सातों दिन सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। स्ट्रांग रूम व उसमें रखी डबल लॉक अलमारी को खोलने और लॉक व सील करने का काम स्टेटिंग मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक व हवाई केंद्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में की जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में चयन की कार्रवाई पूरी न होने पर नाराजगी जताई। दोस्तों अगली इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।